सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के खुजवा गांव में SMH मेमोरियल स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अलग अलग विज्ञान के मॉडल बनाकर लोगों को दिखाएं। विज्ञान मॉडल में बूंद सिंचाई का मॉडल, वाटर डैम का मॉडल, हाइड्रोलिक ब्रिज का मॉडल और भी हमारे कैमरे के नज़र से देख सकते हैं कि किस तरीके से तरह तरह के अलग अलग मॉडल बनाकर बच्चों के द्वारा दिखाया गया। वहीं इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राजकिशोर चौरसिया, ब्लॉक प्रमुख राजकुमार यादव जफर के साथ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। आए हुए सभी महानुभावों ने बच्चों के उल्लेखनीय कार्य की बहुत ही सराहना दी। सबके विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में यही कहेंगे कि टीम की मेहनत है, स्टूडेंट्स की मेहनत है, बहुत वर्क किया है उन लोगों ने, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आए हैं। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक ब्रिज है या फिर ड्रिप वाटर इरीगेशन है, इस तरह के एक तरह से समझिए तो इस तरह के आइडियाज़ हैं जो पर्यावरण को बचाने में। और मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि लोग ये बात कहते हैं कि फ्यूचर का भारत जो है वो चाय की दुकान में मिलेगा और फ्यूचर का भारत जो है वो रोड पे मिलेगा। मेरा ये अपना ख्याल है कि फ्यूचर का भारत हम बना रहे हैं, स्कूल्स में बना रहे हैं, हम शिक्षक, मैं अपने आप को अकेले नहीं कह रहा हूँ, हम सारे शिक्षक बना रहे हैं, विद्यालय में बना रहे हैं, यही फ्यूचर का भारत है जो आप देख रहे हैं। फ्यूचर का भारत यही है, कल का इंडिया यही है। काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे उन बच्चों को जो प्रोजेक्ट तैयार किए? जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिन बच्चों ने, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी मेहनत के लिए उनको बहुत धन्यवाद है, उनके गार्जियंस का सपोर्ट रहा है। बच्चे कई कई बार, अच्छा उसके अलावा ये कि कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए प्रोजेक्ट बनाना भी अपने आप में एक समस्या थी, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि सारे प्रोजेक्ट इस तरह से बनाए जाएं कि उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो, और इसकी वजह से गार्जियंस का काफ़ी हमको सपोर्ट रहा है, टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, हमारा स्टाफ जो है उसने बहुत मेहनत किया है। हम लोग यहाँ 3-3 बजे तक, हालांकि स्कूल 1 बजे तक चलता है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ 3-3 बजे तक काम किए हैं और बच्चों के साथ मिल करके, किसी टीचर ने खुद नहीं बनाया है लेकिन टीचर्स की मेहनत अपनी जगह है, वो लगे बच्चों के साथ मुसलसल लगे रहे हैं, उनको आइडियाज़ भी देते रहे हैं, बच्चों के आइडियाज़ को फॉलो भी करते रहे, तो बस यही कहना चाहेंगे। आने वाले दिन में बच्चों लोग कैसे अपना धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं बस ये चाहूँगा कि जहाँ रहें कामयाब रहें, इसलिए कि कामयाब हो जाएंगे तो हमको खुशी होगी और हमको उम्मीद है कि हो जाएंगे, इसलिए कि जितना ये मेहनती हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, जितना मेहनती हैं, हमको यकीन है, उम्मीद से ज़्यादा यकीन है कि हो जाएंगे कामयाब। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शाहगुलरेज है, SMH मेमोरियल स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ और यहाँ कार्यरत हूँ, मुसलसल बच्चों के साथ लगा रहता हूँ। यही है। जिस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज आपके विद्यालय में, क्या कहेंगे? ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने सिर्फ उनका मार्गदर्शन किया है और इन लोगों ने जो भी किया है वो अपनी मेहनत से किया है और ये कामना करते हैं कि ये लोग बहुत तरक्की करें, इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। जिस तरह हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, जी हाँ, प्रतिभा को निकालने के लिए बच्चों के क्या कहेंगे? प्रतिभा को निकालना सबसे बड़ा काम होता है और वो काम शिक्षक करता है, हम लोग बस देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकता है, हमने बस उसको उनको बताया है कि आप ये कर सकते हो, बिकॉज बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं तो हमने उनको बताया कि आप ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा को समझा और आज जो कुछ भी इन्होंने किया है ये केवल अपनी मेहनत से किया है और अपनी प्रतिभा को दिखाया है। बच्चे जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चे लोगों को? जी बिल्कुल, बच्चे हैं और इनके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है फिर इस उत्साह को बढ़ाने में हम लोगों ने काफ़ी इनको ये किया था कि आप लोग मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग आगे बढ़ेंगे और जिस हिसाब से इन लोगों ने, आप देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने किया है ये इनके हिसाब से, इनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सना हूँ, सनाए जहरा मेरा नाम है और ये जो स्कूल है ये मेरे भाई का स्कूल है, ये स्कूल मेरे पिताजी के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया है और इस स्कूल में मैं भी पढ़ाती हूँ और मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और बस ये मेरा परिचय। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखकर और जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे गाँव में और कम संसाधन में और कम समय में जिस तरह से SMH मेमोरियल के बच्चे और शिक्षक बिंदु ने मिलकर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है,
गांव स्तर पर देखा जाए तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और सबसे खुशी की बात है कि आज के शिक्षा के दौर में जब शिक्षा एक बिकाऊ साधन बन चुका है, इसमें हमारे गांव में कम संसाधन में कम पैसों में बच्चों के प्रति जो शिक्षक वृंद का विद्यालय का लगाव रहा है या उनका जो सोच रही है उसमें मैं मानता हूँ कि सफलता मिलती जा रही है। और बच्चे केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके अलावा विज्ञान के प्रति, भूगोल के प्रति, आने वाले आविष्कार के प्रति जिस तरह से जागरूक हैं या अपनी दिलचस्पी जिस तरह से दिखा रहे हैं, इस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से योगदान और मेहनत किया है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। और मैं इसके साथ ही विद्यालय के बच्चों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को निकालने के लिए बच्चों से आप क्या कहेंगे? बच्चों से हम कहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि रही हो, कोई ज़रूरी नहीं, हर क्षेत्र आज आपका एक अच्छा मार्ग है। जिस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा हो, जिस क्षेत्र में आपकी सोच अच्छी हो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, उसमें अपना अधिकतम से अधिकतम योगदान करें, विश्वास करें और शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। आपके वजह से ही हम हैं, हमारा समाज है, हमारा देश है और सारी व्यवस्था है। काफ़ी कम उम्र के बच्चे यहाँ पे बच्चे तैयार किए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने उम्र देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि इन्हें इस तरह का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक वृंद का और बच्चों का कि उन्हें इस चीज़ का पता है कि आज के दौर में क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। जी, राजकिशोर चौरसिया, ग्राम पोस्ट खुजवा निवासी हूँ और आने वाले समय में हमारी धर्मपत्नी भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं, उनके तरफ से भी आप सबके लिए, स्कूल के लिए और अपने क्षेत्र के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम के बारे में शाह गुलरेज जी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और क्लासमेट भी रहे हैं, इनके साथ पढ़े भी हैं हम लोग, और ये कल हमें फ़ोन करके बताएं इसके बारे में कि कुछ बच्चे ने प्रोजेक्ट बना कर रखा है, एक बार आइए। और आके काफ़ी खुशी हुई, ये हाइड्रोलिक ब्रिज हो चाहे वाटर लिफ्ट हो, एथी हो, इस तरीके का प्रोजेक्ट देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। और इस तरीके के कार्यक्रम जब लगभग हम सभी स्कूलों में घूमे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम शायद ही कोई स्कूल कराती हो, और ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है शाह गुलरेज की तरफ से कि इस तरीके के कार्यक्रम बच्चों द्वारा बनाई गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। मेरा नाम प्रशांत दुबे है और मैं यहीं ग्राम उगो से हूँ।